क्या प्रद्युमन को मिलेगा इंसाफ? क्या स्कूल पर होगी कार्रवाई? क्या सियासत का भेद चढ़ जाएगा एक मासूम के कत्ल का इंसाफ? देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित देश के टॉप स्कूलों में से एक रयान इंटरनेशनल स्कूल में बिहार के मधुबनी की छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसके बाद मामला बहुत गर्म हो उठा है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अभिभावक सड़क पर आ गए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेस पिंटू भाजपा महिला मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी है। हालांकि इस मामले में हथियारे बस कंडक्टर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। कंडक्टर ने खुद यह स्वीकार किया कि यौन शोषण में असफल रहने के बाद उसने इस मासूम का गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस स्कूल के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस स्कूल में माली से लेकर शिक्षक तक को भाजपा सदस्य बनने के लिए दबाव दिया जाता था। अभिभावकों के अनुसार इसके पीछे कई और लोग भी हैं। अभी तक इस स्कूल के एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। लोगों को लग रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर के भाजपा नेता होने की वजह से इस स्कूल पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब पेरेंट्स इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। यदि आपको हमारा ऑडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।